चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको वन बाय वन यानी कि एक से लेकर 12 राशियों में किस तरह से हम उपरत्न यूज़ करें वो जानकारी आपको देने वाला हूं। अभी मेरे सामने ये कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ उपरत्न और रत्न रखे हुए हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के बारे में जैसा कि हम जानते हैं, मेष राशि का स्वामी मंगल है। तो मंगल के लिए हमें किस तरह का मूंगा यूज़ करना है ये देखिए, मेरे हाथ में आप ये मूंगा देख रहे होंगे। ऐसा मूंगा आपको लेना है जो कि देखिए सिंदूरी कलर का होता है। सिंदूरी कलर और लाल कलर में देखिए कितना फ़र्क होता है, ये देखिए ये लाल है नीचे और ये सिंदूरी है। तो इस तरह से आपको देख लेना है, सिंदूरी कलर का मूंगा हो जो कि सिलेंड्रिकल शेप, जिसे कैप्सूल शेप भी बोला जाता है, इस तरह से मूंगा ले लीजिए। और नॉर्मल मार्केट में मिल जाता है, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अगर इसके अलावा भी आप मूंगा नहीं पहनना चाहते हैं तो आप लाल हकीक पत्थर ले लीजिए जो कि सिंदूरी रंग में आता है, वो भी आप पहन सकते हैं। अब बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि के लिए देखिए, जिसका स्वामी शुक्र है, अब वृष राशि का स्वामी शुक्र है, इसके लिए आप स्फटिक की माला भी आप पहन सकते हैं, स्फटिक की आप रिंग पहन सकते हैं, स्फटिक की पूजा किसी भी रूप में, चाहे वो श्री यंत्र हो, चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे कश्यप हो, किसी भी रूप में आप स्फटिक का इस्तेमाल करिए। और अगर आप स्फटिक नहीं पहनना चाहते हैं तो इसके अलावा आपको क्या पहनना है ये देखिए, मेरे हाथ में ये नेचुरल टोपाज जो है ये आपको पहनना है। और ये टोपाज क्या जो होगा, टोपाज का स्टोन इस तरह से आपको दिखेगा, बिल्कुल क्लियर कट आपको ये दिखाई देगा। देखिए ध्यान से किस तरह से ये सुंदर एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कांच की तरह होता है और काफ़ी चमक होती है इसके अंदर, इस तरह से ये चमक दिखाई देगी आपको। और ये टोपाज मार्केट में इजीली मिल जाता है, ठीक है। टोपाज आप शुक्र की राशि, जिसकी वृषभ राशि है वो टोपाज रत्न पहने। और मान लीजिए आप किसी की आ जाती है मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए देखिए आपको पहनना है हरा हकीक। अब हरा हकीक मार्केट में देखिए इजीली मिल जाता है, कोई ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि महंगा होगा कुछ होगा। अब ये देखिए कुछ तो आपको ओपेक मिलेंगे यानी कि जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, कुछ में ट्रांसपेरेंसी होती है, कांच की तरह उसको हम देख सकते हैं, आर पार आपको दिखाई देगा। आपको हरे रंग का हकीक ले लेना है जो कि वेट आप देखिए क्या होगा, क्योंकि हकीक पत्थर थोड़ा बड़ा होता है। अब ये देखिए मेरे हाथ में जो हकीक पत्थर है ये लगभग 11 कैरेट का है, 11 कैरेट का भी हकीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप इसकी रिंग भी बनवाएंगे तो देखिए एक आइडियल वेट बन जाता है 11 कैरेट, यानी कि 9 10 11 इस तरह से आप ले सकते हैं। अब इसको हमने पहनना किस में है, देखिए मेन चीज़ है कि पहनना किस में है। अगर हम बात करें मूंगे की, तो मूंगा हम पहनेंगे, इसको हम तांबे में पहनेंगे, तांबे में पहन सकते हो या सोने में पहन सकते हो। और अगर आप ये शुक्र का उपरत्न पहनेंगे तो इसको चांदी में पहनिए, चांदी में पहनने से ज़्यादा अच्छे इसके लाभ रहेंगे। और अगर मान लीजिए आप इस तरह से हरा हकीक पहनते हैं तो ये आप सोने में पहन सकते हो या फिर पंच धातु में बनवा के पहन सकते हो। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए सिंपल देखिए, मोती मिलता है, मोती आप मार्केट से ले लीजिए, कोई महंगा नहीं होता है। और 5 से 7 रत्ती का आप मोती लीजिए, वाइट मोती और साउथ सी का मोती होना चाहिए, इस तरह से ध्यान रखिए। और चांदी में बनवा लीजिए, इसको सोमवार के दिन धारण कर लीजिए। धारण करने के लिए जो रिंग फिंगर होती है, देखिए इसके लिए रिंग फिंगर का ध्यान रखिएगा कि आपको रिंग फिंगर जो कि हमारी अनामिका उंगली होती है, उस दिन आप गंगा जल कच्चे दूध से धोकर इसको पहन लीजिए। अब बात करते हैं हम रूबी के लिए। देखिए मेरे हाथ में ये आप लाल हकीक देख रहे होंगे, लाल हकीक। अब ये कुछ जेमस्टोन्स तो जो मैं पहनता हूँ वो वर्षफल के अकॉर्डिंग पहनता हूँ, और जो कुंडली दिखाते हैं उनको भी वर्षफल के अकॉर्डिंग सजेस्ट किया जाता है कि कब किस समय कौन सा ग्रह अच्छा आया है, तो उससे संबंधित हम जेमस्टोन पहन लें। अब हमें जेमस्टोन बदलने हैं बार बार, तो हम क्यों बार बार इतने महंगे जेमस्टोन पर खर्चा करें, तो अच्छे रिजल्ट हमें हकीक से भी मिल जाते हैं। अब ये हकीक देखिए रिंग में भी आता है, इस तरह से ब्रेसलेट में भी आता है। मान लीजिए आपकी सिंह राशि है तब आप ये हकीक पहनिए, और मान लीजिए सूर्य अच्छे भाव में आ गया, मान लीजिए पहले भाव में आ गया, पांचवें भाव में आ गया, नवें भाव में आ गया, तब इस केस में भी आप लाल हकीक पहन सकते हैं। लाल हकीक पहनने का जो दिन होगा वो संडे होगा, और इसको आप लाल हकीक को या तो सोने में बनवा के पहनिए या पंचधातु में पहनिए, कैरेट वही रहेगी, 5 कैरेट 7 कैरेट 9 कैरेट 11 कैरेट 10 कैरेट, इस तरह से आप पहन सकते हो। अब बात करते हैं कन्या, देखिए कन्या राशि वालों के लिए भी उसका भी स्वामी बुध है, तो उसके लिए भी हरा जो हकीक है वो पहना जा सकता है। तुरमुली
आपने सुना होगा नाम तुरमुली। तुरमुली देखिए अलग अलग रंगों में आती हैं, तो तुरमुली इजीली मार्केट में मिलती भी नहीं है, हकीक इजीली मिल जाता है, इसमें कोई डुप्लीकेसी भी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं देखिए तुला राशि के लिए, फिर द्वारा वही वृश्चिक राशि आ जाती है, तो उस केस में आप इस तरह से मूंगा पहनिए। अब आ जाती है बात शनि की यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि। मकर राशि और कुंभ राशि इनके लिए आप कटैला पहन सकते हैं, नीली पहन सकते हैं, कटैला या नीली। और अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए आप इस तरह से सुनहला ले लेंगे, सुनहला जिसको सिट्रीन भी कहा जाता है, इजीली मार्केट में मिल जाता है सिट्रीन। देखिए इस तरह से होगा पीले रंग का, और इसे पीताम्बरी भी बोलते हैं, सिट्रीन भी बोलते हैं, सुनहला भी बोलते हैं। और इस तरह से आप देख लीजिए 5 से 7 रत्ती का, कम से कम 5 से 7 कैरेट के वेट का आप ये पहनिए। और इसको पहनने का देखिए उंगली होगी हमारी इंडेक्स फिंगर, जिसे हम तर्जनी उंगली बोलते हैं, तर्जनी उंगली में पहना जाएगा। इसको चांदी में बनवा के पहन सकते हैं, सोने में पहन सकते हैं, पीतल में पहन सकते हैं। इस तरह से ये हो गया आपका बृहस्पति के लिए, मीन राशि धनु राशि वालों के लिए। अब हम बात करते हैं राहु और केतु भी पीछे ना रहें, उनके भी रत्न हैं, तो उनके रत्न ये देखिए इस तरह से आपको गोमेद मिल जाएगा मार्केट में। ये सिलोन का गोमेद है, श्रीलंकन जिसे गोमेद कहा जाता है। कलर देखिए कोको कोला कलर का कलर होगा, और ज़्यादा बड़े नहीं पहने, 9 रत्ती से ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि इनके रत्न जितने छोटे वजन में पहने जाए उतना ही फ़ायदा है। चलिए अब बात कर लेते हैं केतु के रत्न के बारे में। केतु का रत्न जैसा कि हम जानते हैं लहसुनिया होता है, और ये देखिए इस तरह से लहसुनिया में अगर हम देखें तो ये आपको सेंटर में एक लाइन दिखाई देगी, जो कि आप जैसे जैसे मूव करेंगे उस तरीके से घूमती हुई नज़र आती है, यानी कि बिल्ली की आँख की तरह। आप लहसुनिया पहनेंगे केतु के लिए, अगर मान लीजिए केतु आपका अच्छे भाव में है, केतु आपका नवम भाव में है, केतु आपका बृहस्पति के साथ है, तब इस केस में आप पहन सकते हैं। और इसको पीतल में बनवा के या सोने में बनवा के आपने इसको मिडल फिंगर में पहनना है, ये बीच की उंगली में आपको पहनना है। शनिवार के दिन पहन लेना इसको, और गंगा जल कच्चे दूध से धोकर इसको पहन लेना। अगर अभिमंत्रित आपके यहाँ होते हैं तो करवा लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, अभिमंत्रित होकर तो और भी रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं। अगर नहीं भी हो रहा है तब तो वही है कि इफ़ेक्ट्स तो चाहिए ही हमको, तब हम उस केस में नॉर्मल भी पहन सकते हैं। अब इसके अलावा बात आ जाती है और कुछ रत्नों के बारे में, जैसे कि हम जानते हैं ये फिरोज़ा रत्न है, फिरोज़ा रत्न हम पहनते हैं। फिरोज़ा एक ऐसा रत्न है जो कि इंसान की किस्मत से जुड़ा हुआ, यानी कि किस्मत चमकाने वाला रत्न है और फिरोज़ा। और इस तरीके से आप फिरोज़ा को चांदी या पंच धातु में बनवा के आप अपनी रिंग फिंगर में पहनिए। कई लोग तो उसको ब्रेसलेट के रूप में भी पहनते हैं, ब्रेसलेट्स भी इसके अच्छे रहते हैं। और इसकी वेट का कोई स्पेसिफिक नहीं होता, बड़े से बड़े भी आपने लोगों को पहने हुए देखे होंगे, कुछ तो ऐसे ब्रेसलेट बनवा के पहनते हैं। देखिए इतने हैवी हैवी आपने फिल्म स्टार्स को भी पहने हुए देखा होगा, इस तरह से ब्रेसलेट होता है। और थोड़ा फिरोज़ा देखने में, क्योंकि ये पत्थर होता है एक तरह का, चट्टान से निकलता है, फिर बाद में उसमें पॉलिशिंग होती है थोड़ी बहुत इस तरह से। ये देखिए पायरेट्स होते हैं, निशान होते हैं जो कि मेटल डिपॉजिट्स होते हैं, वजन कुछ भी ले सकते हैं। ये लगभग 40 कैरेट का फिरोज़ा पत्थर है और चांदी के ब्रेसलेट में बना हुआ है, इस तरह से भी आप पहन सकते हो। और इसके साथ साथ ये टाइगर स्टोन है, जो कि इंसान में आत्मबल की जिनमें कमी रहती है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं या फिर उनके स्वभाव में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आता है, कॉन्फिडेंस कम रहता है, डरते ज़्यादा हैं, उस केस में ये पहना जाता है। इसको चांदी में बनवा के आप अपनी रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, लॉकेट पहन सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं, किसी भी रूप में पहन सकते हैं। इसको आप गुरुवार के दिन पहन लीजिए, सोमवार के दिन पहन लीजिए, या किसी भी अन्य दिन आप पहन सकते हैं। ये हो गया आपका कुछ उपरत्नों की जानकारी। इसके साथ साथ और भी रत्न होते हैं जो कि समय समय पर पहने जाते हैं, उतारे जाते हैं। आपको मैं बस यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, देखिए रत्न कभी भी फिक्स मत रखिए कि मैंने यही रत्न पहनना है, लाइफ टाइम ये पहनना है। ठीक है, पहनना है, आपकी बजट पॉकेट अलाउ करती है तो पहनिए। अगर पुखराज इतने महंगे हैं, आप क्यों पुखराज के चक्कर में पड़ते हो? जब आपको नॉर्मल मार्केट में इस तरह से सुनहला मिल जाता है तो आप क्यों हज़ारों रुपये इतने ज़्यादा अपनी जेब कटवाते हो इतने महंगे रत्न पहन के? कुछ समय के लिए पहनिए, क्योंकि स्टोन की एक अपनी भी लाइफ होती है। अगर हम अच्छे बात करें एक स्टोन की लाइफ, अगर हम मोती को ही देखें, मोती आज के दिन, आज आप मान लीजिए 7 कैरेट का पहनोगे तो वो 1 साल बाद 7 कैरेट का रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें वेयर एंड टेयर होती है, वो भी घिसते हैं, वो भी ख़राब होते हैं, तो उस तरीके से उनकी लाइफ भी ख़त्म होती है। एक स्क्रैच चीज़ आना, उनमें निशान पड़ना, उसकी लाइफ वो समय समय पर ख़त्म हो जाती है, यानी कि 1.5 से 2 साल के बाद जेमस्टोन बदल ही दो। इसीलिए क्यों महंगे पहनना, सस्ते पहनो
और उनके रिजल्ट भी बरकरार रहेंगे, यानी कि नई नई गाड़ी लेकर आते हो कितनी बढ़िया चलती है, इसी तरीके से नए नए जेमस्टोन पहनो, समय समय पर उतारो, समय समय पर बदलो, देखो उनके असर भी अच्छे रहेंगे, आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ये कुछ जानकारियाँ देनी थी। आप बहुत महंगे महंगे रत्नों के चक्कर में कभी कभी मुझे व्हाट्सएप करते रहते हो, कहीं नीलम मांगते हो, कहीं कुछ मांगते हो, ये सब मैं ना ही सजेस्ट करता हूँ, ना ही मेरे पास होते हैं, क्योंकि जब मैं खुद ही महंगे नहीं पहनता हूँ तो मैं आपको क्यों महंगे सजेस्ट करूँ। देखिए मेरे हाथ में भी आपको अभी आपको ये लाल हकीक दिखाई दे रहा है, कुछ साल पहले डेढ़ साल पहले मेरे हाथ में हरा हकीक दिखाई देता था, कुछ समय पहले मेरे हाथ में फिरोज़ा दिखाई देता था। तो ऐसे ऐसे समय समय पर देखिए मैं भी बदलता हूँ अपने रत्नों को, तो आपको भी मैं वही सजेस्ट कर रहा हूँ। जब मैं खुद कर रहा हूँ तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छे रिजल्ट आते हैं। इन आप महंगे रत्नों के चक्कर में पड़ के अपना पैसा बर्बाद करते हो, फिर कहते हो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। रिजल्ट कहाँ से आएंगे? आप जेमस्टोन पे अकेले भरोसा कर लेते हो, बाकी चीज़ों के भी उपाय करने होते हैं, वो भी करते रहो। देखो जेमस्टोन आप कोई भी पहनोगे, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा, सबके इफेक्ट्स आएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी और जानकारियों के साथ फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।